आईएमए जिसे कहते हैं, को भी प्री स्केड्यूल्स में डाला जा रहा है, उनको प्रॉपर्ली ईमेल सेंड की जा रही है, उनके आपके कमेंट को पढ़ के आपको किसी भी टाइम पे जो है ना वो मैं गेट बैक कर सकता हूँ। काफी सारे लोगों को आई हुई है, अब इसका सोल्यूशन क्या है सुन सकते हैं, देख सकते हैं, और अपनी अगर आप कुछ बात करना चाहते हैं तो आप वहाँ जो है ना वो इंट्रोड्यूस करवाना शुरू कर दिया। एक्स टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं। टीआरसी कार्ड का जो एक राइट नो करंट सिनेरियो में टच चीज को रिपीट करता हूँ, आप अपनी जो हिस्ट्री होती है आपके ब्राउजर में उसको इनके शॉर्ट शॉर्ट आंसर मैं आपको बता सकता हूँ। कोशिश करूंगा कि कभी एज सून एज पॉसिबल नियर फ्यूचर में मैं लाइव भी। हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर इंटरेस्टिंग व्लॉग। एक नई इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग वीडियो लेके मैं आप लोगों के पास आया हूँ। पुर्तगाल की इमिग्रेशन में काफी सारी नई चीजें आ रही है, AIMA जिसे कहते हैं, वो नई नई चीजों को इंट्रोड्यूस करवा रही है। एक्स्ट्रा चार्जेस इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं, पेमेंट टर्म्स की समझ नहीं आ रही, कितना टैक्स होगा कितना टैक्स नहीं होगा, आने वाले बंदों के लिए क्या किया जाएगा, आने वाले दिनों में नई चेंजेस कौन सी होने जा रही हैं, और अगर प्री स्केड्यूल्ड ईमेल हो जाती है उस प्री स्केड्यूल्ड ईमेल को के लिए क्या करना चाहिए, जिन लोगों की पेमेंट स्टक है उनको क्या करना चाहिए, जो लोग पेमेंट कर रहे हैं उनको कौन सी ईमेल आ रही है, उनको भी प्री स्केड्यूल्ड में डाला जा रहा है या उनको प्रॉपरली ईमेल सेंड की जा रही है उनके बायोमेट्रिक के लिए, तो ये सारी की सारी चीजों के ऊपर इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे। और जो लोग भी चैनल पर नए हैं, मेरी सर आपसे रिक्वेस्ट है काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक भी किया करें, शेयर भी किया करें, और इस पर मैक्सिमम कमेंट्स किया करें। अगर आपको कोई बात मुझसे पूछनी होती है, अगर कोई आपकी पर्सनल क्यूरी नहीं है, कोई पर्सनली आप मुझसे स्टे इन टच नहीं रहना चाहते, तो आप मुझे डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में हाईलाइट किया करें, और कोशिश किया करें सबसे ज्यादा आप तब कमेंट्स किया करें जब आप देखते हैं कि वीडियो अभी रिसेंटली अपलोड हुई है, क्योंकि उस टाइम पे मैं ऑनलाइन होता हूं, अवेलेबल होता हूं, और आपके मैसेजेस को पढ़ के आपके कमेंट को पढ़ के आपको किसी भी टाइम पे जो है ना वो मैं गेट बैक कर सकता हूं। अब यहाँ पे दो से तीन चीज़ें हैं सर जिनको हम बड़े इंटरेस्टिंग वे में आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, उन फैक्ट्स को शेयर करता हूँ। नंबर एक तो ये है कि जी ईमेलिंग का प्रोसेस जो है वो अभी जो इन्होंने स्टार्ट किया है तो नए सिस्टम के अकॉर्डिंग, तो ये कितना टाइम लेगा, टीआरसी कार्ड का जो एक टाइम फ्रेम है वो कितना होगा, और ये जो बैकलॉग है ये कब तक क्लियर किया जाएगा, एक तो ये चीज़ के ऊपर मैं डिटेल से डिस्कशन करूंगा। और दूसरा इसी से रिलेटेड एक चीज़ है कि जी एक्स्ट्रा चार्जेस जो इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं ये किस इनको आप ये कह सकते हैं कि ये किस तरह से हमने पे करने होंगे, और लाइक ये किन से कौन से लोगों के ऊपर इसकी इंप्लीमेंटेशंस है, और ऐसे लोग हैं जिन्होंने ऑलरेडी अपने टैक्स क्लियर कर दिए हुए हैं, क्या ये एक्स्ट्रा चार्जेस उनके ऊपर भी इंप्लीमेंट होंगे, और इसके लिए क्या करना चाहिए उन लोगों को जो वहाँ पर हैं और उन लोगों को जो वहाँ पर आ रहे हैं अपनी इमिग्रेशन को अप्लाई करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहले बात करते हैं टीआरसी कार्ड के टाइम फ्रेम की। तो इससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, वो ये है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी पेमेंट्स के लिए किया, और जब उन्होंने अपनी पेमेंट्स को डन कर दिया, उनकी पेमेंट्स हो गई, तो उनको जो ईमेल आती है वो उनको कौन सी ईमेल आती है, उनको ये वाली ईमेल आती है कि जी आपकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको हमने एक्सेप्ट कर लिया है, आपकी फाइल को हमने एक्सेप्ट कर लिया है, और उसके बाद उनको जो है ना वो फर्दर डॉक्यूमेंट्स की एक लिस्ट दे दी है कि आप इन डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करके रखें, इनको रेडी करके रखें। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब है कि सर ये एक जो ईमेल थी ये एक प्री स्केड्यूल्ड ईमेल थी। प्री स्केड्यूल्ड का मतलब है कि इसमें कहीं पर भी उन्होंने ये बात नहीं बताई कि जी आपको किस दिन बायोमेट्रिक के लिए आना है, इसमें कहीं पर भी उन्होंने आपको बायोमेट्रिक का शेड्यूल नहीं दिया, इसमें कहीं पर भी उन्होंने जो है ना वो आपका फर्दर नेक्स्ट स्टेप फॉरवर्डिंग नहीं किया आपके टीआरसी कार्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये जो एक चीज़ है ये काफ़ी सारे लोगों को आई हुई है। अब इसका सोल्यूशन क्या है, इसके सोल्यूशन की तरफ हम जाते हैं, और इसका कितने दिनों के बाद हम जो है ना वो प्रॉपर ईमेल आना शुरू हो जाएगी जिसको सेकंड ईमेल कहते हैं, वो कब तक रिसीव होना लोगों को शुरू हो जाएगी। जो लोग मुझसे स्टे इन टच रहना चाहते हैं, मेरी इंस्टाग्राम आईडी आ रही है, मेरे अकाउंट को आप फॉलो कर सकते हैं, मुझे आप इंस्टाग्राम पर टेक्स्ट मैसेज सेंड कर सकते हैं। अगर आप शॉर्ट वीडियो देखते हैं, शॉर्ट वीडियो देखना पसंद करते हैं, तो आप मुझे टिकटॉक पर फॉलो कर सकते हैं, मेरी टिकटॉक आईडी आ रही है, उसके ऊपर मैं छोटे छोटे से शॉर्ट्स अपलोड कर रहा होता हूँ, तो आप टिकटॉक के शॉर्ट्स के थ्रू भी मुझे सुन सकते हैं, देख सकते हैं, और अपनी अगर आप कुछ बात करना चाहते हैं तो आप वहां पे भी कमेंट बॉक्स के थ्रू अब मुझसे कह सकते हैं। सर सेकंड ईमेल का जो प्रोसेस है वो मई तक तो ऐसे ही चलेगा, मई का ये लास्ट वीक बाकी है, इनफैक्ट जून का फर्स्ट वीक भी ऐसे ही रहेगा, जून के सेकंड वीक में जाके आपको सेकंड ईमेल्स आना जो है ना वो स्टार्ट हो जाएंगी। अब इसके लिए वो क्या है कि उसके ऊपर थोड़ी सी वो वर्किंग कर रहे हैं, और वर्किंग जो उनकी है वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि बहुत सारा डाटा ऐसा है जो मिसमैच किया जा रहा है। मिसमैच इन अ सेंस है कि जी वहां पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी आइडेंटिटी को वो वेरीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि इनमें से कौन से लोग हैं जिनकी फाइल अकॉर्डिंग टू दी स्टैंडर्ड लॉक हुई है, और उसके बाद उन्होंने जो टैक्सेस पे किए हुए हैं वो अकॉर्डिंग टू दी स्टैंडर्ड हैं या नहीं है, और बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके टैक्स अकॉर्डिंग टू दी स्टैंडर्ड नहीं है। अब इसके ऊपर एक और चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग सी आ गई है कि उन्होंने एक एक्स्ट्रा चार्जेस जो है ना वो इंट्रोड्यूस करवाना शुरू कर दिया है। एक्स्ट्रा चार्जेस जो आपके टैक्सेस होंगे वो उसमें इंक्लूड नहीं है, वो एक्सक्लूड हैं। ये चीज़ मैं पहले से कंफर्म कर देता हूँ कि जो आपके टैक्स होंगे वो उसमें एक्स्ट्रा चार्जेस में इंक्लूड नहीं है।
अब एक्स्ट्रा चार्जेस कितने कितने हैं और कौन से एक्स्ट्रा चार्जेस एआई हमें लगा रही है, वो कपल्स के लिए डिफरेंट चार्जेस हैं, सीपीएलपी कंट्रीज जो है उनके लिए डिफरेंट चार्जेस हैं, डिफरेंट कंट्रीज के डिफरेंट चार्जेस हैं, इसके ऊपर एक डिटेल से मैं वीडियो बनाऊंगा जिसके ऊपर मैं चार्जेस की अमाउंट बताऊंगा कि जी किसके लिए कितने चार्जेस हैं, किसके लिए कितने चार्जेस हैं और उनको पे करने का तरीकाकार क्या है और उनको उन्होंने कैसे पे करना है। अब पॉइंट यहाँ पे यह है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो अपनी पेमेंट्स को प्रोसेस करते हैं लेकिन वहाँ पर उनको इशू आ जाता है, स्टक हो जाते हैं और उसके बाद बहुत से लोग हैं जिनको ये भी नहीं समझ आती कि उनको ईमेल रिसीव हुई है सेकंड ईमेल या रिसीव ईमेल सेकंड ईमेल उनको रिसीव नहीं हुई और टीआरसी कार्ड का टाइम फ्रेम कितना है। तो इस वीडियो को इंक्लूड करते हैं और बात करते हैं कि टीआरसी कार्ड के टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं। टीआरसी कार्ड का जो एक राइट नो करंट सिनेरियो में टाइम चल रहा है वो वन ईयर से लेके 8 to 9 months की ब्रैकेट में चल रहा है, लेकिन ये टाइम क्या कम होगा या ज्यादा होगा करंट सिनेरियो के अकॉर्डिंग, जो राइट नो करंट सिनेरियो चल रहा है इसके अकॉर्डिंग ये टाइम कम होना चाहिए लेकिन होता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो इसके ऊपर कोई पेशेंट कोई करना कोई लाइक फर्दर कोई प्रेडिक्शंस देना मेरे ख्याल से बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। जो लोग दे रहे हैं उनका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है और वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग बात करते हैं। सेकेंड स्टेप यह है कि जी किस तरह से ये जो पेमेंट टर्म्स है इसका जो इशू आता है और ऑनलाइन पोर्टल को यूज़ करते हुए इशू आता है तो इसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाए। सर मैंने पहली दो वीडियोस में भी ये बात बताई है, मैं दोबारा इस चीज़ को रिपीट करता हूँ, आप अपनी जो हिस्ट्री होती है आपके ब्राउज़र में उसको डिलीट किया करें, उस हिस्ट्री को अगर डिलीट नहीं कर सकते तो कोई दूसरा ब्राउज़र यूज़ किया करें, अगर कोई दूसरा ब्राउज़र भी आप यूज़ नहीं कर सकते या आपको ये समझ नहीं आती तो आप जिस सिस्टम के थ्रू जिस लैपटॉप पे या फ़ोन पे ये काम कर रहे होते हैं उसकी कंप्लीट विंडो को क्लोज करके उसके बाद दोबारा से रीस्टार्ट जिसे कहते हैं उसके बाद दोबारा से किया करें। और अगर आप फ़ोन पे यूज़ कर रहे होते हैं तो सेट एज डेस्कटॉप मोड पे जाके किया करें, आपको ये जो सेट इशू है जो जिस इशू के ऊपर बात की गई है ये इशू फेस नहीं होगा। थर्ड पॉइंट ये था जो ये जितने भी बातें मैंने आपको बताई हैं ये सारी की सारी वो चीजें थी जो मुझे क्वेश्चंस की गई और उन्होंने कहा कि आप काइंडली हमें इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना के देने। तो सर डिटेल वीडियो तो नहीं बन सकती, ये शॉर्ट शॉर्ट से क्वेश्चन से इनके शॉर्ट शॉर्ट से आंसर मैं आपको बता सकता हूँ। कोशिश करूंगा कि कभी एज सून एज पॉसिबल नियर फ्यूचर में मैं लाइव भी बैठूं ताकि आप जो है ना वो लाइव डिस्कशन कर सके मेरे साथ। फैमिली अपॉइंटमेंट के बारे में तो टिल अक्टूबर टू नवंबर कोई ऐसा सिनेरियो नजर नहीं आ रहा, माइट बी पॉसिबल कि एंड ऑफ अक्टूबर और बिगनिंग ऑफ द नवंबर में कोई इसका सिनेरियो नजर आएगा जिसके थ्रू फिर हम ये कह सकते हैं कि ये फैमिली अपॉइंटमेंट कब ओपन की जा रही है। हाँ एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि अब फैमिली अपॉइंटमेंट जब ओपन की जाएंगी तो वहां थोड़ी सी टैक्स की रेशियो और टैक्स की जो स्ट्रक्चर है उसको रिफॉर्म किया जाएगा, उसको थोड़ा सा चेंज किया जाएगा। मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, अपना ख्याल रखिएगा।